दोस्तों मैं मतलब सोच रहा हूँ कि इतनी मूवीज नेटफ्लिक्स कैसे रिलीज करेगा, वो भी नवंबर के मंथ में। दोस्तों देखा जाए ना, नवंबर के मंथ में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज ओटीटी पर रिलीज हो रही है, और ये दोस्तों काइंड ऑफ एकदम शॉकिंग बात है, क्योंकि नेटफ्लिक्स मूवीज के राइट्स एक्वायर करता है, सभी को पता है। लेकिन इस बार इतने भर भर के राइट्स एक्वायर किए ना कि अमेजॉन प्राइम को भाई क्या ही बोलूं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले मिशन रानीगंज मूवी के बारे में, उसकी ओटीटी रिलीज डेट के बारे में, अपडेट्स के बारे में। तो आई नो आप सब इस मूवी को ओटीटी पर तो जरूर देखेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। भाई ये सेटअप भी मेरा थोड़ा गड़बड़ा रहा है, समझ रहे हो। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर, तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है, नेटफ्लिक्स ने ही भाई इसके राइट्स एक्वायर किए। तो एक सोचने वाली बात है कि भाई अभी स्टार्ट में जवान आ रही है, लियो आ रही है, थैंक यू फॉर कमिंग आ रही है, उसके बाद और भी मूवीज़ है, और उसके बाद दोस्तों ये हमें मिशन रानीगंज भी नेटफ्लिक्स पर इसी मंथ में देखने को मिल सकती है। तो हाँ, रिलीज डेट तो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन दोस्तों इस मूवी को लेकर मुझे गलत बात ये लगती है कि मूवी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, जो कि हमारे देश में दोस्तों एक चीज़ हुई थी जो कि एक काइंड ऑफ एक्सीडेंट टाइप था, और उसके बावजूद लोगों ने इस मूवी को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है। तो ये दोस्तों बॉलीवुड मूवीज़ कभी कभी ख़राब होती है, मैं बात मानता हूँ, लेकिन कुछ मूवीज़ अच्छी जब क्रिएट की जाती तब भी ऑडियंस नहीं देखती है। यार दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ओटीटी पर जमकर इस पर टूट पड़े। बात करें इसकी रिलीज डेट क्या हो सकती है, तो इस मूवी को दोस्तों लास्ट वीक में इसे रिलीज किया जा सकता है नवंबर के लगभग 24 नवंबर के आसपास। इस रिलीज डेट के आसपास आपको ये मूवी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकती है। अभी तो वेट करना है, आप बताओ क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, कमेंट में लाइक करो। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।